in this module we will discuss the structure and function of the hemoglobin while in the last modules we have discussed the myoglobin structure its alpha helical chains and its bands from which the alpha helical chains are joined together hemoglobin is found exclusively in the red blood cells where its main function is to transport oxygen from the lungs to the capillaries of the tissue where it is required मायोग्लोबिन हमने देखा था कि मसल में प्रेजेंट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन जिस वक्त होती है तो वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से लेता है लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेनली प्रेजेंट इन दी आर और रेड ब्लड सेल्स और ये कैरी करता है लंग्स से टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन को जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है हीमोग्लोबिन ए द मेजर हीमोग्लोबिन इन एडल्ट इज कम्पोज ऑफ फोर पोलीपेप्ट च विच आर टू अल्फ़ा चेंस एंड टू बीटा चें ये हिमोग्लोबिन ए जो है मेनली ये अडल्ट में प्रेजेंट है हीमोगलोबिन एफ और हीमोगलोबिन ए टू आर ऑल्सो प्रेजेंट पर बट एफ जो है वो फीटल लाइफ में है जबकि ए टू जो है वो स्लाइटली प्रेजेंट होता है वन टू टू परसेंट इन दी एडल्ट लाइफ इसके अंदर टू अल्फ़ा चेंज हैं और टू बीटा चेंज हैं जबकि मायोग्लोबिन में हमने देखा था कि वहाँ सिर्फ एक ही चेन थी जिसके अंदर आठ अल्फ़ा हेलिकल्स जो है स्ट्रक्चर वो आपस में जुड़े होते हैं फिर डिफरेंट बैंड्स और जिसको हमने डिनोट किया था ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन सो इन इन्फेंट्स द एच बी एफ जो है उसके अंदर टू अल्फ़ा चेंज एंड टू गैमा चेंज होती हैं और एच बी एच ए टू जो है उसके अंदर टू डेल्टा और टू अल्फा चें होती हैं लेकिन वी विल डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन ए जो कि मेनली प्रेजेंट है इन दी एडल्ट और ये इट इज कम्पोज ऑफ टू अल्फा एंड टू बीटा चें विच कैन बी सीन एज ए प्रोटीन ऑफ टू आइडेंटिकल डायमर्स वन इज अल्फा वन और बीटा वन एंड द अदर इज अल्फा टू एंड बीटा टू के इसमें आइडेंटिकल्स मोनोमर्स हैं दो अल्फा मोनोमर हैं दो बीटा मोनोमर हैं लेकिन ये चारों मिल के जो है टेट्रामर बना देते हैं तो ये डायमर फॉर्म में है दो अल्फ़ा है दो बीटा है लेकिन जब चारों आपस में मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको हम टेट्रामर बोल देंगे द टू पोलिपेप्ट चेन्स विद इन ईच डायमर आर हेल्ड टाइटली टूगेदर प्राइमरि बाई हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमने प्राइमरी सेकेंडरी ट्रस्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखा था कि वहाँ बहुत सारे इंटरेक्शन थे जिसको आपस में चेंज को जोड़ रहे थे जो आपस में स्ट्रक्चर सेकेंडरी टच स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को बनाने में मददगार थे तो इसी तरह इसको जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है ग्लोबलर फॉर्म में आता है तो इसकी जो मेनली इंटरेक्शन हैं इन टू टूप पेप्ट, पोलीपैप्टें दीज आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंटरचेन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन अल्फा सब यूनिट्स एंड बीटा सब यूनिट्स ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है ये चेंज के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो बना देती हैं एनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑल्सो अकर बिटवीन द डायमर्स ऑफ द डायमर बिटवीन ऑफ द डायमर्स, तो जिस तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हैं इसी तरह अयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इसमें प्रेजेंट हैं जो एक मेंबर ऑफ द डायमर एक डायमर जिसके अंदर एक अल्फा है और एक बीटा है इसके आपस में जो कनेक्शंस हैं वो और डायमर के अंदर जो कनेक्शन हैं एक मेंबर के उसके अंदर एनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं इन इन कंट्रास्ट द टू डायमर्स आर एबल टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बीग हेल्ड टूगेदर प्राइमरीली बाई पोलर बॉन्ड्स जबकि इसके ऑपोजिटली इन इनकंटास हम देखें तो टू डायमर्स जो हैं वो आपस में जुड़े होंगे ये हमने अभी तक देखा कि जो डायमर है उसके मेंबर्स आपस में जो हैं वो एक ही मेंबर के अंदर जो है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हैं आयोनिक बॉन्ड्स भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं लेकिन दो मेंबर्स एक जो डायमर के हैं अल्फा और बीटा के दरमियान तो मेनली उसके अंदर जो एक्शन हैं वो पोलर बॉन्ड्स के हैं ईच सब यूनिट हैज स्टैचूज ऑफ अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर जिस तरह माओग्लोबिन में हमने देखा था कि वहाँ बीटा प्लेटेड शीट्स नहीं थी मेनली जो था वो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर था इसी तरह यहाँ पर भी मेनली अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसी तरह जिस तरह माओग्लोबिन में था एंड ए बाइंडिंग पॉकेट सिमिलर टू दैट डिस्क्राइब इन दी स्ट्रक्चर ऑफ दी माओग्लोबिन इसी तरह एक पॉकेट इसके अंदर भी बनी होती है जिसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है जिसके अंदर हमने देखा था मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिटेल में कि वहाँ पर एक फेरस फॉर्म में आयरन पड़ा हुआ है उसके साथ जो है वो अटैच होगा ऑक्सीजन जब भी रिक्वायर्ड होगा और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ना उसके अटैच और डिटैच होता रहेगा डायग्रामेटिक प्रजेंटेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड वी कैन सी ही पे ये एक बीटा चेन पड़ी है ये दूसरी बीटा टू है ये अल्फा वन है अल्फा टू है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हीम जो है वो पड़ा हुआ है इस पॉम में जिसके अंदर यहाँ आयरन ये जो गोल सा नजर आ रहा है दिस इज फेरस आयरन। और इसकी इसी तरह इस तरह हमने ए बी सी डी वहाँ अल्फा हेलिक्स को की थी यहाँ पे भी ए बी सी डी इसी तरह उसकी हेलिक्सिस को हम डिनोट करते हैं दिस इज एन अदर डायगमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विच इज मोर अलेबोरेटिंग कि हमने डिफ़ाइन किया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेनली आर में से आ रहा है और हमने डिफ़ाइन किया है कि इसके अंदर दो अल्फा चेन हैं एक अल्फा चेन ये पड़ी है और दूसरी अल्फा चेन यहाँ पड़ी है और इसी तरह दो बीटा चेन हैं एक बीटा चेन ये है और एक बीटा चेन ये है बीस ये, ये आपस में जो इनकी बाइंडिंग है वो हमने डिफ़ाइन की थी वो पोलर बॉन्ड्स के साथ है अगर दो बीटा चेंज एक अल्फा और एक बीटा आपस में एक अल्फा और एक बीटा यहाँ पे इनके पोलर बॉन्डिंग है ज्यादा जबकि इसके अंदर आपस में अल्फा चेंस की आपस में जो डायमर के अंदर मेंबर्स की बॉन्डिंग है वो हमने हाइड्रोफोबिक भी डिफाइन की हाइड्रोजन भी डिफाइन की और आयोनिक भी डिफाइन की इसी तरह हमने देखा था वहाँ पे भी यहाँ ये रेड कलर का आयरन पड़ा हुआ है बीच में और इसके गिर्द पोरफायरेन रिंग है ये मायोग्लोबिन में एक ही चेन थी उसके अंदर एक ही जो है ना वो हीम पार्टिकल और हीम जो है ना वो लाइगेंट पड़ा था जबकि यहाँ पे चार चेन है तो चारों के साथ चार हर एक हर चेन के अंदर एक एक जो है वो हीम पड़ा हुआ है फॉर्म में आयरन है और उसके साथ टेट्रापायरोल रिंग लगा हुआ है जिसको हमने कहा था कि ये हीम पार्टिकल हाउ आर द टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर कॉम्प्लेक्स दैन दी माओग्लोबन के माओग्लोबेन में हमने देखा था कि वहाँ सिंगल मॉलिक्यूल था उसके अंदर आठ डिफरेंट चेंज पड़ी हुई थी लेकिन यहाँ हमने देखा है कि ये डिफरेंटली ये स्ट्रक्चरली ये भी डिफरेंट है इट इज़ कंपोज ऑफ टेटामर इसके अंदर चार डिट डिफर, आठ डिफरेंट सॉरी चार डिफरेंट चेंज हैं दो अल्फा की हैं दो बीटा की हैं तो इट इज़ More structurally more complex, and similarly, its function is more complex as compared to the myoglobin. For example, hemoglobin can transport carbon dioxide from the tissues to the lungs and carry four molecules of oxygen from the lungs to the cells of the body. Myoglobin we have defined that there is a oxygen there is a alpha hel helix, hel helical structure that is monomer. टेट्रामर नहीं है जिसका इसमें यहाँ दो अल्फा और दो बीटा चेंज हैं उसमें एक ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है ना आठ अल्फ़ा हेलिकल चेंज हैं और उसके अंदर एक ही बाइंडिंग साइड है हीम फॉर्म में जिसके अंदर फेरस पड़ा हुआ है जो उसको अटैच करता है ऑक्सीजन को और उसी को छोड़ता है जबकि इसी तरह इसका स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स है इसलिए कि इसका फंक्शन भी मोर कॉम्प्लेक्स है एक फंक्शन तो ये है कि लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द टिश्यूज जहाँ रिक्वायर्ड है सेकेंड फंक्शन ये है कि इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज़ में प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म उसको ये वहाँ से कैरी करके लंग्स में लेके जाएगा वी विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स द डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल